मैं आज आपको इसके ऑनसेट 8 के डेंजर साइड इफेक्ट्स, यूजेस और इसकी तमाम डिटेल्स दूंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुर्राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अदवियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो ऑनसेट 8 है और इसके जो जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो ओंडनसेट्रॉन है। ये 8 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो फार्मेडिक है। और ये जो यूज़ हो रही होती है ये नौजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। नौजिया यानी कि मतली और वॉमिटिंग यानी उल्टी, लेकिन वो भी कोई ख़ास उल्टी नहीं और मतली, ये उस नौजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है जो कि कीमोथेरेपी की वजह से होती है कैंसर की। जिन लोगों को कैंसर हो जाता है और उनकी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है और उनको जो है रेडिएशन थेरेपी देते हैं और सर्जरी उनकी वगैरह होती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट पर उनको जो है उल्टी और बहुत ज़्यादा मतली होती है, जिसको रोकने के लिए ना उसको जो है ओंडनसेट्रॉन दी जाती है पेशेंट्स को। ठीक है, तो इसलिए यूज़ हो रही होती है और ये एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसन है। जाहिर सी बात है ये भी एक मेडिसन है तो इसके भी कुछ ना कुछ नुकसान होंगे, है ना। अच्छा, ये जो ऑनसेट 8 है यानी जिसमें ओंडनसेट्रॉन है, ये जो ओंडनसेट्रॉन है ये एक 5HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, यानी कि एक 5HT3 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करते हैं और ये एक केमिकल सेरोटोनिन को जो है उसके एक्शन को इनहिबिट करता है, यानी कि उसको रोकता है। अच्छा, ये जो 5HT3 रिसेप्टर है ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर है, ठीक है, ये हमारे दिमाग में भी है, ये हमारी पूरी बॉडी में है। सेरोटोनिन जो एक केमिकल है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है और ये जो है हमारी इसकी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रोल है। इसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते और इसके बगैर हमारी बॉडी कोई काम कर ही नहीं सकती। ख़ासतौर इसमें हमारे जो ब्रेन है यानी जो हमारा जो दिमाग है उसके ऊपर इसके बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट है और बहुत डिपेंडेंट है कि अगर ये ना हो तो हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर सकता। तो ये जो ओंडनसेट्रॉन है ये उसके एक्शन को स्टॉप करता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भले ये नौजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करती है लेकिन ये खुद भी ज़रा हल्की नहीं है, ये भी मेडिसन है, तो आपको इसको ध्यान से यूज़ करना है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ सेरोटोनिन जो है वो अपना काम करता है ये वहाँ जाके उसके काम को रोकेगी और ब्लॉक करेगी। अब भले वो आपके दिमाग के अंदर कोई फंक्शन वगैरह हो, कुछ भी हो, ये उसको स्टॉप कर सकती है। अगर आप इसको नॉर्मल डोज पर लेंगे तो फिर आपको इतने इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसका ओवरडोज कर लें या बहुत तवील अरसे तक, बहुत ज़्यादा अरसे तक अगर आप इसको यूज़ करें तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके साइड इफेक्ट फील हो सकते हैं। ठीक है, तो चले अब इसके जो है ख़तरनाक साइड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। ज़्यादातर जो इसके जो साइड इफेक्ट्स कॉज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर इसके देखें तो ये कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, यानी कि इससे कब्ज बहुत हो सकती है, डायरिया हो सकता है यानी पेट खराब हो सकता है, फैटीग भी हो सकती है यानी इससे थकावट हो सकती है, हेडेक हो सकता है यानी कि इससे जो है सर दर्द भी हो सकता है, लाइट हेडनेस भी हो सकती है। लाइट हेडनेस बोलते हैं कि जिसमें सर बहुत हल्का होता है, फौरन फील होता है जिसना सर हिल रहा है। डिजीनेस हो सकती है इससे यानी कुनूदगी बहुत हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है और टायर्डनेस भी हो सकती है। अगर इसका ओवरडोज कर लें यानी कि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें और बहुत हद तक यूज़ करें या काफ़ी अर्से तक इसको यूज़ करें बिला वजह और बिला वजह खा रहे हैं, तो उसमें जो है ये अचानक जो है सडन लॉस ऑफ विजन कर सकते हैं, यानी कि आईसाइट जो है वो जा सकती है और बंदे को थोड़ी देर के लिए नहीं दिखता। इसके अलावा डिजीनेस हो सकती है यानी इससे बहुत ज़्यादा कुनूदगी, जिससे मैंने पहले बताया, फेंटिंग हो सकती है और जितने भी अभी मैंने आपको साइड इफेक्ट बताए सारे बढ़ जाते हैं मजीद। इसके अलावा इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है, ये बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है इसका। इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि इससे जो है हमारा जो दिल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है और ये बहुत खतरनाक होता है। ब्लर विजन हो सकता है, इससे धुंधला दिखना, रैश हो सकती है, हाइव्स हो सकती है, इचिंग हो सकती है, ये सारी जो है हमारी स्किन के ऊपर हो सकती है रैशेस, यानी कि रैश पड़ जानी, हाइव्स और खुजली बहुत होना। इसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है हमारे मुंह की, जबान की और हमारे जो गाल वगैरह उनके, लिप्स होंठों की हो सकती है। ठीक है, होर्सनेस हो सकती है, होर्सनेस यानी कि आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी और ख़राब सी, जिसे फटी हुई आवाज़ बोलते हैं, इस तरह की। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेरोटोनिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, अगर इसके एक्शन को स्टॉप कर दे जो कि ये करती है ओंडनसेट्रॉन, तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा इससे जो है कॉमा भी हो सकता है, यानी कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो जाहिर सी बात है जब ब्रेन पे फैट आएगा तो पेशेंट जो है वो कॉमा में भी जा सकता है। इसके अलावा इससे सीजर्स भी हो सकते हैं, हेलुसिनेशन हो सकती है इससे, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वही दिमाग पे जब इफेक्ट आता है तो फिर ब्रेन सही से फिर वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ये थे इसके साइड इफेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि भाई इसके इतने साइड इफेक्ट्स क्यों हैं और बनाया क्यों है अगर इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं, तो भाई इसका सिंपल सा मैं आपको दूंगा आंसर, वो ये कि ये मेडिसन है। ठीक है, मेडिसन कोई भी मेडिसन हो उसका साइड इफेक्ट होता ही होता है और फ़ायदा भी होता है उसका। ठीक है, लेकिन बस फर्क ये होता है कि उसका जो फ़ायदा होता है उसके नुकसान से बढ़कर होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये जो मेडिसन होती है अगर इसके साइड इफेक्ट्स ना होते तो लोग इसको सालन रोटी में जो है ना वो मिक्स करके खा रहे होते, सिंपल सी बात बोलूँगा आपको। तो ये जो है मेडिसन है, जाहिर सी बात है मेडिसन हम कम यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, बिला वजह नहीं यूज़ करते। इसके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसन के, तभी तो आप अपने फार्मासिस्ट और फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं, इसीलिए तो करते हैं। अगर इसके ना होते इतने साइड इफेक्ट और ये इतनी सेफ होती तो आपको क्या ज़रूरत है उनसे कंसल्ट करने की, है ना। तो यही तो बात है। और इसके अलावा अगर इसके देखें कि भाई ये
इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं, तो भाई अगर इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं तो ये इसका इस्तेमाल भी तो बहुत ज़्यादा है। कीमोथेरेपी के अंदर जो नौजिया वॉमिटिंग होती है उसको ये ट्रीट करती है, ठीक है। और सर उसके बगैर नौजिया वॉमिटिंग को स्टॉप करना पड़ता है, खासतौर अगर सर्जरी हो तो उसमें तो ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको यूज़ करें। और बाकी जो कोई मेडिसिन है वो इसको स्टॉप नहीं कर सकती इसके कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को, तो यही सिर्फ करती है स्टॉप, इसलिए हम इसको यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, इसकी मज़ीद डिटेल्स, इसके ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, इसके मज़ीद साइड इफेक्ट्स और इसकी तमाम डिटेल्स कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और इसको अपने फिजिशियन की कंसल्ट के बगैर बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो या कोई भी चीज़ मेडिसिन या किसी भी मेडिसिन के बारे में पूछना हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको अगर कोई मेडिसिन वगैरह लेनी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर ये चाहिए या कोई भी मेडिसिन आपको चाहिए तो वो भी हम आपको सप्लाई कर देंगे, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिएगा, और अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल रफ़ी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।